हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स तो हाइड्रोकार्बन्स के अंदर जो आज बेसिकली uh, हमारे पास तीन इम्पोर्टेंट सीरीज़ uh, हैं जो होमोलोग सीरीज़ हैं जिसके अंदर एल्केन को स्टडी करने वाले हैं हम और उसके साथ साथ एल्कीन को स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ हम एल्काइंस को भी स्टडी करेंगे ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में आपको ऑलरेडी पहले नॉलेज है एल्केन्स मीन्स सिंगल बॉन्ड वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कींस मीन्स उसके अंदर एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए और एलकाइंस मींस उसके अंदर क्या होना चाहिए कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग होनी चाहिए सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोकार्बन्स थोड़ा सा हाइड्रोकार्बन्स के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो हाइड्रोकार्बन्स दो तो शब्दों से मिलकर बना हुआ है हाइड्रो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन के ही होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं हाइड्रोकार्बन ठीक है सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी क्लासिफिकेशन कैसे की गई है हम उस चीज को समझते हैं हाउ वी कैन क्लासिफाई दी हाइड्रोकार्बन्स सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बोन्स सो एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग हो सकती है सो बाय दिस वे वी कैन क्लासीफाई दैन वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड नेचर सो यदि वो सिंगल बॉन्ड में है तो उसको हम क्या कहेंगे दैट इज सैचुरेटेड कार्बन सैचुरेटेड का मतलब है कि फर्दर ये और ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता ट्रिपल बॉन्ड कैन बी कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड

ये हम ऑलरेडी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं टेंथ क्लास के अंदर इसका जिक्र आ चुका है कंटेन्स कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ठीक है नो डॉट कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बीच में तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनेगा तो यहां पर जो बेसिकली हमने देखना है कि अगर सेचुरेटेड है तो कार्बन के बीच में या तो जीरो बॉन्ड को कंसीडर किया जाता है कि, कि और कार्बन कंसीडर ही नहीं करते या कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स को कंसिडर करेंगे ठीक है तो यहां पर इफ द कार्बन एटम्स फॉर्म ए क्लोज चेन और रिंग चेन दे आर टर्म्स एट द साइक्लो एल्केन्स तो हम ऑलरेडी यह बात पढ़ चुके हैं कि प्रोपीन, प्रोपेन से सॉरी प्रोपेन से ये प्रोसेस स्टार्ट होता है साइक्लो का क्योंकि दो सिंगल कार्बन कभी भी क्लोज रिंग नहीं बनाएगा डबल कार्बन भी कभी भी क्लोज रिंग नहीं बनाएगा तो क्लोज रिंग को बनाने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है तीन कार्बन की जरूरत पड़ने वाली है तो ये साइक्लो यानी क्लोज स्ट्रक्चर से शुरू होता है तो बस अगर ये सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए वी विल यूज एल्केन्स सो ये रहा एल्केन क्लोज स्ट्रक्चर है तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे साइक्लो लगाएंगे ठीक है तो याद रखना है इफ कार्बन एटम फॉर्म ए रिंग क्लोज रिंग एटलीस्ट थ्री कार्बन होने चाहिए और ए रिंग दे आर टर्म्स एट द साइक्लो एलगिन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ साइक्लो साइक्लिक कंपाउंड एरोमेटिक को हम स्पेशल टाइप ऑफ हाइड्रो बोलते हैं साइक्लिक कंपाउंड्स बोलते हैं क्योंकि बेंजोनाइट्स और नॉन बेंजोनाइट्स के अंदर इसको डिफाइन किया जाता है uh, और फर्दर अगर सोचे तो एरोमा जो वर्ड लिया गया है यहाँ पे दिस एरोमा एरोमा मीन्स जो हमें uh, खुशबू देते हैं ठीक है इसीलिए एरोमा मीन इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है खुशबू होती है अलग से ही सेंस होती है ठीक है नेक्स्ट इज के अंदर डबल या हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करेंगे अगर कार्बन कार्बन के बीच में ना तो जीरो बॉन्डिंग होगी ना सिंगल बॉन्डिंग होगी तो उसके अंदर एटलीस्ट आपको एक सिंगल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा कंटेन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड्स लाइक डबल बॉन्ड्स एंड ट्रिपल बॉन्ड्स या दोनों के दोनों प्रेजेंट होंगे तो वो क्या कहलाएंगे लाएँगे अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स फाइन सो आप इसके अंदर देखते हैं कि जो हमारे पास पहला हाइड्रोकार्बन uh, है दैट इज एल्केन्स तो एल्केन्स के अंदर हमारे पास क्या आएंगे दैट इज सिंगल बॉन्ड्स वाले सो सिंगल बॉन्ड में क्या आएगा द जनरल फार्मूला है सी एन एच टू एन प्लस टू ठीक है जो हाइड्रोजन की संख्या होगी वो डबल से दो ज़्यादा होगी कार्बन की संख्या से ठीक है सो so, हमने ऑलरेडी ये बात कर कर चुके हैं ये वाली कि इसके नेमिंग कैसे रखते हैं मोलिकुलर फॉरमुना सी एच फोर सी टू एच सिक्स अगर हम इनके बीच में एक डिफरेंस देखें तो हमेशा डिफरेंस किसका दिखेगा सी एच टू का दिखेगा क्योंकि ये सारे के सारे सेम होमोलोग सीरीज से बिलोंग करते हैं या इसका मोलिकुलर मास कितना होगा फोर्टीन यू का होगा ध्यान रखना है अब मिथ मिथ फॉर सिंगल कार्बन इथ फॉर डबल कार्बन प्रॉप तीन चार पाँच छे सात आठ नौ और दस देखिए इन सब के लास्ट में एन 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 दिखा है एन इज फॉर सिंगल बॉन्ड ये सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो दैट्स एन तो दैट इज मिथ मीन्स वन कार्बन इथ मीन्स टू कार्बन प्रॉप मीन्स थ्री कार्बन ब्यूट मीन्स चार कार्बन पेंट मीन्स पांच कार्बन हेक्स मीस सिक्स कार्बन हेप्ट हैप्टीस सेवन कार्बन ऑक्ट मीन्स एट कार्बन नॉन मीन्स नाइन कार्बन एंड डेक मीन्स टेन कार्बन ठीक है सो so, दस कार्बन लिए हम डेक यूज करते हैं ये ये हमारे कार्बन की संख्या है और एन एन हमें क्या दिखा रहा है ऑल आर कनेक्टेड विद अ सिंगल बॉन्ड सो सभी के सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं सो दैट्स वाई द वर्ड एन यानी कि इसको सोफिक्स बोलते हैं सोफिक्स क्या आया एन आया क्लियर है सो प्रीफिक्स एंड सोफिक्स को अच्छे से समझना है और यहाँ से हमें इसका नाम और फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखना है ऑल आर सेटिस्फाइंग दिस फॉर्मूला ये सारे के सारे इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं फॉर एग्जाम्पल यदि मैं एन की वैल्यू वन पुट करता हूँ सी वन एच डबल डबल इसका दो करेंगे तो डबल क्या होगा दो और दो में दो ऐड करेंगे तो फॉर्मूला क्या बनेगा सी एच फोर था फॉर्मूला सिंगल कार्बन है तो दैट विल बी मिथेन सभी के सभी फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेंगे टेन के लिए सी तो तो कितना हो जाएगा? That is 10, H 10, H 22. तो ये हमारा क्या हो गया? Decane. Clear? So, सभी के सभी इस को satisfy करेंगे और इसी के हिसाब से हमें इस होमोलोगा सीरीज को बनाना है डिफरेंस देखेंगे तो सभी में डिफरेंस आपको एक ही नजर आएगा दैट इज सी एच टू और ये हम होमोलोगा सीरीज में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं यदि दे आर डिफर बाय दी एच टू ग्रुप सो दे आर कंसिडर टू बी एज द सिमिलर होमोलोग ना बात करते हैं इसके नॉमन क्लेचर एंड आइसोमेरिज्म की सो नॉमन क्लचर इज वेरी ईजी हम ऑलरेडी इसके बारे में भी बात कर चुके हैं पिछले चैप्टर में तो फिर भी थोड़ा बहुत यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि देश मिथ एन है इथ एन है प्रोपेन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर इनकी कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होती है ठीक है नॉमन क्लचर के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं मिथ मीन हाउमेनी कार्बन सिंगल कार्बन इथ मीन हाउमेनी कार्बन डबल कार्बन एंड प्रॉप मीन्स तीन कार्बन विल बी देयर सो बाई दिस वे आप इसको अरेंज करेंगे इसको जिस तरीके से मर्जी अरेंज करें ये कभी भी ब्रांच में नहीं लगेगा आप कहेंगे इस कार्बन को यदि मैं इधर लगा दूँ सो सी सी और सी ये भी सिंगल ब्रांच मतलब सिंगल स्ट्रेट लाइन है दिस इज ऑल्सो ए स्ट्रेट चेन इसको स्ट्रेट चेन ही कंसिडर किया जाएगा जब कार्बन कार्बन के बीच में लिंकेज होगी तो डायरेक्ट लिंकेज होगी तो उसको क्या बोलेंगे मीन्स अगर हम उसे एक ही लाइन से खींच सकते हैं सो दैट इज अ स्ट्रेट चेन हां अब बात करते हैं जो पहली ब्रांच हम उसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं या आइसोमर्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्यूटेन अब ब्यूटेन के अंदर हाउ मेनी कार्बन वन टू थ्री एंड फोर अगर स्ट्रेट चेन में है देखिए एक ही लाइन से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं तो दैट इज द स्ट्रेट चेन तो इसको क्या बोलेंगे एन ब्यूटेन एन डिनोट्स दी नॉर्मल ब्यूटेन क्या बोला जाएगा ये नॉर्मल ब्यूटेन याद रखना है ये दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द नॉर्मल ब्यूटेन अब इस कार्बन को हम सेकेंड लास्ट कार्बन पे लगा देते हैं ठीक है तो सेकंड लास्ट कार्बन पे लगाया ये रहा सेकंड लास्ट कार्बन ठीक है so, सो सेकंड लास्ट कार्बन पे जब इसे लगाया जाएगा तो वी विल यूज द वर्ड आइसो ब्यूटेन देखो आइसो वर्ड का इस्तेमाल कॉमन नेम के लिए किया जाता है कॉमन नेम के लिए ब्यूट इसलिए क्योंकि चारों कार्बन को हम यहाँ कंसिडर करते हैं ठीक है ऐसा नहीं है कि आप आइसो प्रोपेन यहां लिखेंगे नो हमने क्या लिखना है द नंबर ऑफ कार्बन एटम जितने भी वहां प्रेजेंट हैं ऑल विल बी प्रेजेंट ओवर हियर तो दैट इज कॉल्ड द आइसो ये क्या कहलाएगा आइसो बूटेन और अगर इसका आईयूपीएसी नेम देखें तो आईयूपीएसी नेम है 1 2 3 सो सेकंड नंबर पर एक ब्रांच लगा हुआ है तो हमारी जो लॉन्गेस्ट चेन होगी दैट इज ऑफ 3 कार्बन और सेकेंड पर ब्रांच लगा हुआ था टू मिथाइल प्रोपेन इसका नाम हो जाएगा ठीक है व्हाट आर आइसोमर्स आइसोमर्स क्या होंगे

बोथ आर हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट सो दैट्स वाई दे आर कंसिडर टू बी एज द आइसोमस ये दोनों, भी, दोनों क्या है आइसोमस एक आईसो है और एक क्या है एन है नॉर्मल एंड आइसो वन क्लियर सो दिस इज द थिंग नाउ आइसोमस ऑफ पेंटेन वहां पर आपको थ्री uh, नजर आएंगे आप कुछ भी किसी भी लेवल पर चेंज कर सकते हैं यहाँ पर नियो तक हम जाएंगे वट इज नियो एक्चुअली दिखते हैं ठीक है स्ट्रेट चेन है

वन टू थ्री तो लॉन्गेस्ट चेन आप किसी मर्जी एंगल से देखिए तो थ्री की बनेगी सेकंड पर दो ब्रांच लेंगे तो टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन तीन कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है तो दैट इज प्रोपेन नियो पेंटेन किस लिए बोला गया क्योंकि सेकंड लास्ट कार्बन पर दो ब्रांचेज हैं तो फॉर दैट नियो विल यूज और पेंटेन क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं पांच है फॉर्मूला की बात करते हैं यहां पर सी फाइव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट यहाँ पर काउंट करते हैं C5 फाइव ऑलरेडी बात कर चुके हैं वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन है और H को काउंट करेंगे तो दैट विल बी ऑल्सो ट्वेल्व और यहाँ पर बात करते हैं C5 और H कितने दिखेंगे ट्वेल्व दिखेंगे तो ऑल आर हैविंग द सेम फॉर्मूला बट अगर हम बात करें की स्ट्रक्चर बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट सो दिस दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड द आइसोमर्स इसके तीन आइसोमर्स हैं ठीक है ठीके? पेंटेन के तीन आइसोमर्स हैं तो ये कौन सा आइसोमर शो करते हैं हम आइसोमस को पहले ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं दैट इज द चेन आइसोमर जब कार्बन एटम्स को हम चेंज कर चेंज करते हैं उसकी पोजिशन को तो दे आर कंसिडर टू बी एज चेन आइसोमर्स तो ये चेन आइसोमर्स का टाइप है <clears throat> उसी को हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे ठीक है नाउ अब बात करते हैं एल्केन की कैसे कैसे प्रिपेशन कर सकते हैं एक पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि हमेशा अन हाइड्रोकार्बन से हम सेचुरेटेड को प्रिपेयर कर सकते हैं सी ये रहा ट्रिपल बॉन्ड सी ठीक है इससे हम डबल बॉन्ड बना सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग दी हाइड्रोजन हम हाइड्रोजन की सप्लाई करेंगे बॉन्ड टूट जाएगा और उस जगह हाइड्रोजन लग जाएगा अब सी सी इसको फिर से हाइड्रोजन दे दीजिए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा क्लियर सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है फ्रॉम अनसेचुरेटेड से अल्टीमेटली हम क्या बना सकते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना सकते हैं अगर हम एल्कीन की बात करेंगे तो एल्कीन किससे बनेगा दैट इज इस पर्टिकुलर यानी कि ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड बनेगा और डबल बॉन्ड से क्या बनेगा सिंगल बॉन्ड बनेगा सो so, ये कंप्लीट चेंज चलता है हमारा तो यहाँ पर हमने क्या किया इथीन की इथिन 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 की हमने क्या करवा दी हाइड्रोजिनेशन करवा दी इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम यानी कि या, या पैलेडियम आपको क्या मिल जाएगा इथेन मिल जाएगा एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा एक हाइड्रोजन इधर लग जाएगा और ये बॉन्ड क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स मिल जाएगा क्लियर इस प्रोसेस को बोलते हैं जो एडिशन हो रही है हाइड्रोजन की दैट इज कॉल्ड कॉल हाइड्रोजिनेशन क्या बोलते हैं इसे हाइड्रोजिनेशन क्लियर है सेम एम यहां पे आप बात कर सकते हैं दैट इज प्रोपीन डबल बॉन्ड है सेम वे में हाइड्रोजिनेशन कराया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गया तो आपको क्या मिल गया प्रोपेन मिल गया प्रोपाइन ट्रिपल बॉन्डिंग है हाइड्रोजिनेशन करवाया फॉर एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन के यहाँ पर आपको क्या मिल गया प्रोपेन मिल गया बहुत ही सिंपल मेथड है बाय दिस वे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट फ्रॉम एल्काइल हलाइड सेम है हाइड्रोजिनेशन ही करनी है बट अब यहाँ पर जो हमारा फॉर्मेट है वो किसके अंदर आ गया हालाइड की फॉर्म में आ गया दैट इज आर एक्स ये क्या है आर एक्स एंड दिस एक्स इज ए गुड लिविंग ग्रुप ये एक्स बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप्स होते हैं मतलब ये यहाँ से बहुत जल्दी रिमूव हो जाते हैं और ये जब जाएंगे तो ये एक अपना इलेक्ट्रॉन लेकर जाएंगे तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा बाय पॉजिटिव चार्ज यहाँ से जो हाइड्रोजन रिलीज होगी उसके ऊपर क्या चार्ज होगा दैट इज नेगेटिव चार्ज होगा तो यहाँ से आप इसको कंसिडर कर सकते हैं बट दिस रिएक्शन आई थिंक दैट इज द बेसिकली ये रिएक्शन जो होती है uh, फ्री रेडिकल रिएक्शंस को कंसिडर कर किया जाता है इसके अंदर सो so ये फ्री रेडिकल को फॉर्म uh, करती है फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन से हमारी ये रिएक्शंस बनती है ठीक है फ्रॉम एल्काइल हलाइट्स ठीक है कंसिडर वुड्स रिएक्शन ये प्लस टू में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी मिलेगी आपको सेम रिएक्शन मिलेगी इसके अंदर क्या होगा आप इसके अंदर डबल कार्बन यानी कि इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बहुत ईजिली बना सकते हैं इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब बनाना हो तो यहाँ से टू एन आपको सेपरेटली नजर आएगा और ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप आपस में ज्वाइन होकर क्या बन जाएगा इथेन बन जाएगा सो दैट इज द वुड्स रिएक्शन जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम में हमें लेंथ चाहिए हो सो द नेक्स्ट वी आर हैविंग विद द हेल्प ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम इसे जो फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड द डी कार्बोक्सिलेशन डी 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 मीन्स वाट डी मीन्स रिमूवल रिमूवल यानी कि कि हम का पर करते हैं. को करने के लिए देखिए बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा. COOH है. है? कैसे हो सकता है? कि ये पोर्शन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड बनके यहां से रिमूव हो सकता है <coughs> याद रखने वाली बात है ठीक है सो so, हम क्या करेंगे इसे दो तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम दी कार्बोक्सिलिक एसिड सेकंड सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज कॉल्ब इलेक्ट्रोलिटिक मेथड सो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कैसे करेंगे डिकार्बोक्सिलेशन के मेथड से हम इसे सबसे पहले यहाँ से सबसे पहले एन में कन्वर्ट करना है तो दैट इज वेरी सिंपल सी एच थ्री सी ओ ओ एच है दिस इज द एसिटिक एसिड इसे हम जब सबसे पहले एन के साथ रिएक्ट करवाएंगे सो so, एसिड और बेस जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं तो सोल्ट की फॉर्मेशन होती है बाय रिमूवल ऑफ वन वाटर मोलिक्यूल सो क्या बनेगा आपका सी एच थ्री सी ओ ओ नेगेटिव एन एन ए पॉजिटिव सो ये हमारा सोल्ट बन गया और एक वाटर मोलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो गया तो so, हमारा बन गया सोडियम एसिटेट इसे सोडियम एसिडेट भी बोलते हैं सोडियम इथोआइट भी बोलते हैं ठीक है क्योंकि एस्टर ग्रुप का पार्ट है तो ये हमारा एक पोर्शन रेडी है मतलब ये बन चुका है अब इसे फिर से एक्सेस ऑफ एनियज की प्रेजेंस में सी के साथ जब हम हीट करते हैं देन अब देखिए कि क्या बनेगा यहाँ से ये एन ए टू सी ओ थ्री यहां से रिमूव हो जाएगा दैट इज सोडियम कार्बोनेट इसे हम क्या बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट क्योंकि ये पोर्शन यहाँ से एक्चुअली रिलीज़ होता है ये पोर्शन जब यहाँ से रिलीज होता है तो वो सोडियम के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और आपको क्या बनाकर देगा सोडियम कार्बोनेट एंड वट अबाउट दिस हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जो एक्स्ट्रा बची हुई है ये आपकी यहाँ से इसके साथ अटैच हो जाएगी ये आपको एक मिथेन ग्रुप मिल जाएगा ठीक है ख़ास बात क्या ध्यान में रखनी है जब हमें एक रिड्यूस कार्बन चाहिए से हम शुरू कितने से हुए थे सी एच थ्री सी ओ ओ एच हाउ मैनी कार्बन कार्बन की संख्या देखिए यहां पर कार्बन कितने थे दो कार्बन थे और हमें जो मीथेन मिला वो कौन से कार्बन का मिला हमें सिंगल कार्बन का मिला तो ध्यान रखने वाली बात यही है कि जब हमें सिंगल कार्बन यानी कि एक लेस कार्बन का एल्केन चाहिए तब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड द डी कार्बॉक्सिलेशन यानी कि डी कार्बोक्सीेशन कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो यहां से रिमूव हो जाएगा और हमें एक लेस कार्बन का हमें एल्केन uh, की फॉर्मेशन हमें मिलेगी लेस कार्बन की दो से चले थे एक का मिलेगा अब बात करते हैं कि डबल कार्बन चाहिए डबल कार्बन की बात करें यानी कि जितने कार्बन थे उतने ही कार्बन हमें चाहिए इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स में यदि हमें उसे एक uh, बढ़ाना है तो हम कॉलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स करते हैं कॉलबे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड के अंदर हम uh, इसके अंदर सिंपली क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला पोर्शन था ये वाला पोर्शन यहाँ से एज इट इज रिलीज हो जाएगा और इसके साथ ही एक सी और अटैच हो जाएगा यानी कि एक कार्बन और अटैच हो जाएगा इसलिए हमने यहाँ पर मोलिक्यूल कितने लिए दो मूल्यू लिए सेम वे में यहाँ तक हम वैसे के वैसे पहुँच गए सोडियम एसिटेट ये पड़ा हुआ है अब इसकी रिएक्शन कर दी वाटर की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलिसिस इलेक्ट्रोलिसिस रिमेंबर सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ठीक है ये हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिया और इलेक्ट्रोड्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की बाय दी हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बैटरी भी हमने यहाँ पर लगा दी टर्मिनल टर्मिनल पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनलिन पर लगाए और यहाँ पर हमने CS3, COON, in the of water, जब यहाँ पर किया जब इसकी इलेक्ट्रोलिसिस की तब हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगी यहाँ पे एन एच जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा दैट इज हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ये रिलीज हो जाएगा और हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन अटैच होता हुआ इवन नंबर कार्बन में आपको एक प्लस कार्बन का यानी कि जितने कार्बन से चले थे उतने कार्बन का

सॉल्वेंट्स uh, के अंदर डिज़ोल्व नहीं होंगे जैसे कि वाटर वाटर के अंदर ये डिजोल्व नहीं होंगे तो किसके अंदर होंगे नॉन आइनिक नॉन आइनिक के अंदर ही होगा या नॉन पोलर नॉन पोलर के अंदर डिजोल्व होता है जैसे कि बेंजीन के अंदर ठीक है uh, uh, जैसे एसीटोन के अंदर ईथर के अंदर ये सारों के सारों के अंदर ये डिज़ोल्व ईजिली हो जाएंगे दे आर कलरलेस ऑर्डरलेस इनका कोई ऑर्डर नहीं होता कोई कलर नहीं होता ठीक है दे हैव द वीक वंडरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा वीक वो, वो, वीक वंडरबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है बॉयिंग पॉइंट जैसे जैसे कार्बन की चेन बढ़ेगी वैसे वैसे इनका बॉयलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जैसे सी एच फोर मिथेन है गैस की फॉर्म में होता है जैसे जैसे हम आगे आते जाएंगे सी सिक्सटीन सी सेवनटीन पर वो सॉलिड फॉर्म में चले जाते हैं ठीक है लिक्विड टू सॉलिड में ट्रांसफर होते रहते हैं क्योंकि उनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होने लगता है एल्किन्स कैन बी सेपरेटेड बाई दी डिस्टिलेशन दे आर प्रोड्यूस इन द इंडस्ट्री बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बाय द पेट्रोलियम एंड दी नेचुरल गैस ठीक है सो so, बनते कैसे हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अब दो तो अगर हमने एलकेन्स को सेपरेट करना हो तो सेपरेट करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो है डिस्टिलेशन मैथड डिस्टिलेशन मैथड से हम इसको बहुत ईजिली सेपरेट कर सकते हैं तो टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलकेन्स तो कल हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच